देख सकते हैं कि ये स्विफ्ट VXI है और इसमें हमें मिलती है कंपनी की ओर से सेंट्रल लॉकिंग, जिसकी आती है कुछ ऐसी की। इसमें अपना दो बटन होते हैं, एक लॉक का एक अनलॉक का। देखिए जैसे कि अनलॉक पे इसने भी किया, इसमें अपना दो बटन आ जाते हैं भाई, एक लॉक का आ जाता है और एक अनलॉक का आ जाता है। तो कई भाई चाबी को मॉडिफाई भी करवाते हैं इसे, कई भाई बनवा लेंगे फ्लिप की बनवा लेंगे, तो कहीं कीलेस एंट्री चाहेंगे। तो भाई आज ये देखिएगा आप, ये ब्रेजा ब्लैनो के टॉप मॉडल की चाबी है कीलेस एंट्री वाली। इसमें अपना एक लॉक का बटन है, एक अनलॉक का बटन है। इसमें आपको कोई और फिजिकल की नहीं देगी, वो अंदर इंसर्ट है इसके, ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा ना, अगली वीडियो में बताऊंगा भाई। लेकिन आपको इसमें चाबी नहीं देगी, सिर्फ ये रिमोट है। यहाँ पर अपना पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है जो हमारे टॉप मॉडल होते हैं। लेकिन आप VXI में अगर ये चाबी करना चाहें तो आप कैसे कर सकते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। तो भाई आप पहली बात तो आप चाबी को जब ही छेड़े, जब आपको इसके बारे में थोड़ी नॉलेज होगी कि भाई अंदर जो सेंसर्स हैं आपसे वो ख़राब हो गए, टूट गए, तो बहुत मोटा भारी खर्चा पड़ जाएगा, कम से कम 6-7 हज़ार का। यार मान नहीं लो सेंटर लॉकिंग का सारा, ठीक है भाई, आपका खर्चा पड़ जाएगा। तो भाई आप देख सकते हैं आपके सामने दोनों चाबी हैं, ये हमारी वो है जो स्विफ्ट में साथ आती है शुरू से, और ये होगी हमारी दूसरी। तो इस चाबी में क्या होता है, इसमें सेंसर होता है। जैसे कि मैं इसको इंसर्ट करूँगा गाड़ी के अंदर, चाबी को इसके सेंसर ने इसे डिटेक्ट कर लिया है, इसके सेंसर को सेंस कर लिया है, हमारी इग्निशन ऑन हो जाएगी। ये देखिएगा आप, इसके सेंसर ने इसे डिटेक्ट कर लिया है। अगर हम इसे और किसी चाबी से डाल लेंगे, इसकी सेम ऐसी बनवा देते हैं बिना सेंसर के, हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, तो भाई जो गाड़ी है उसे पता चल जाएगा कि ये ओरिजिनल साथ वाली सेंसर वाली चाबी नहीं है। तो कंपनी चाबी में सेंसर देती है, ऐसे ही इसमें सेंसर आता है जो हमारे टॉप मॉडल वाली होती है। तो हमें बाहर जाके सिर्फ एक काम करवाना है, ऐसी कोई भी पुरानी चाबी पड़ी हो या उसी से ख़रीद ले भाई, शॉप वाले से पुरानी ले ले, जो इसके अंदर का सेंसर है, इसके चाबी के अंदर का सेंसर है, वो सेंसर डाल के इसके निकल के इसके अंदर डल जाएगा। तो ये हो गया हमारी गाड़ी की चाबी। अब आप सोचेंगे कि लॉक अनलॉक तो हो जाएगी लेकिन चाबी तो है नहीं, इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? तो स्टार्ट के लिए भाई बता देता हूँ, उसके लिए आपका होगा भाई जुगाड़ टाइप का होगा। मेरी गाड़ी की 5 साल की गारंटी है, तो मैं अभी नहीं करवा रहा क्योंकि गारंटी अवॉइड हो जाएगी, वारंटी गाड़ी की। आपका कटिंग करके जो इग्निशन है, इसके अंदर की जो मोटर की तार है, जैसे हम चाबी डाल के घुमाते हैं तो मोटर जो रोटेट करती है, वो सारा प्रोसेस डल के अंदर जुगाड़ होकर भाई यहाँ पर आपका पुश स्टार्ट स्टॉप बटन लग जाएगा, जो कि 5-6 हज़ार से भी कम में, 5-6 हज़ार में हो जाएगा सारा काम, कम बेशक लग जाए, ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो आप जो अपनी VXI गाड़ी है, LXI भी आपकी, उसमें भी आप ZXI वाला मजा ले सकते हैं, अपनी गाड़ी को पुश स्टार्ट स्टॉप करवा सकते हैं। लेकिन भाई आप एक बात का ध्यान रखें, अगर आपकी गाड़ी अभी वारंटी में है तो इसे यार अभी ना छिड़वाएं, वारंटी ख़त्म होने दें, उसके बाद कर लीजिएगा। तो भाई मैं यही बताना चाहूँगा आपको, आप VXI में भी ZXI की चाबी करवा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो धन्यवाद भाई, चैनल को कर दो लाइक और सब्सक्राइब।